हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 7 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया गया? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। हाल ही में पंजाब सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों ये पंजाब सरकार ने किसानों के लिए ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों इसमें किसानों के दोस्तों फसल संबंधी जानकारियां इस ऐप के दौरान किसानों को मिलेंगी। दोस्तों पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री वर्तमान अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। दोस्तों हाल ही में एक पंजाब में कोवा पंजाब ऐप लॉन्च हुआ था दोस्तों, और 12वीं की कक्षा के छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन वितरित योजना चलाई गई थी दोस्तों, ताकि वे ऑनलाइन क्लासें आसानी से ले पाए। घर घर निगरानी ऐप शुरू किया गया था। अब पंजाब सरकार ने तो पंजाब के बारे में देते, पंजाब मैप में ये रहा दोस्तों, पंजाब मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजीओ गो किसने लॉन्च किया? इसके ऑप्शन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरेन रिजिजू, एस जयशंकर। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, किरेन रिजिजू। हाल ही में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजीओ को लॉन्च किया गया। दोस्तों ये फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप है, जितने भी खिलाड़ी जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए कुछ ऐसे कंटेनमेंट जोन में दोस्तों, हॉटस्पॉट जोन में खिलाड़ी मैदान में नहीं जा सकते, इसलिए उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए दोस्तों ये ऐप हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? इसके ऑप्शन ओडिशा, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। हाल ही में सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र के लिए महाराष्ट्र के साथ दोस्तों समझौता किया है, महाराष्ट्र के साथ दोस्तों किया है दोस्तों। तो अब सिडबी ने किया है, सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, वर्तमान में हेडक्वार्टर लखनऊ में दोस्तों। उसका चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफर दोस्तों। और दोस्तों इसके मैं अब महाराष्ट्र के साथ किया है, तो महाराष्ट्र की वर्तमान में राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। और दोस्तों उद्धव ठाकरे सरकार का कौन सा गठबंधन दोस्तों? महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार है। यहाँ पे राज्यपाल है वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र ही बना था। एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों। बाहर रोजगार पोर्टल योजना ये भी महाराष्ट्र में ही है। महापरवाना योजना ये महाराष्ट्र में ही दोस्तों। संजय गांधी और नवेगांव नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में ही। अब महाराष्ट्र को देखते हैं दोस्तों मैप में, ये रहा दोस्तों महाराष्ट्र मैप में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इटली में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन है डॉक्टर नीना मल्होत्रा, प्रवीण चौधरी, अहमद पटेल, राजू कुमार, राजकुमार श्रीवास्तव। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को हाल ही में इटली में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया दोस्तों। अब इटली में किया गया, इटली की राजधानी है रोम, राष्ट्रपति हैं जॉर्जियो नेपोटोलियन, प्रधानमंत्री इंक्रोलिता दोस्तों। इसकी वर्तमान मुद्रा है यहाँ की यूरो। इटली में किया गया, इटली को देखते हैं मैप में, तो ये रहा दोस्तों इटली मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए श्री वल्लभ पिट्टी इंटरनेशनल ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसके ऑप्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान ने 4,000 करोड़ रुपए की राजस्थान सरकार ने श्री वल्लभ पिट्टी एसवीपी इंटरनेशनल ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें टेक्सटाइल्स, डिफेंस और एयर स्पोर्ट्स के लिए प्रोजेक्ट विकसित करना है, जिसमें विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल सुविधा विमानन अकादमी शामिल है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से एसवीपी इन परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जो 4,000 करोड़ से अधिक लोगों के लिए रोजगार, जो 4,000 से ज्यादा अधिक लोगों के लिए रोजगार दोस्तों प्रदान, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे दोस्तों, पैदा करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों इस योजना के तहत अभी राजस्थान में किया, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र। दोस्तों हाल ही में राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र दोस्तों राजस्थान मित्र किए गए। इसके साथ साथ ही किसान मित्र कहाँ नियुक्त किए गए दोस्तों? ये हरियाणा में नियुक्त किए गए दोस्तों। और आरोग्य मित्र दोस्तों, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए थे। इनके साथ दोस्तों जब भी क्वेश्चन आता है रिलेट करने वाला, तो रिलेट करके क्वेश्चनों को याद किया जाता है, मतलब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो लगभग आपको हर बार बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बच्चों की पढ़ाई के लिए दोस्तों ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम लॉन्च किया गया था दोस्तों, इसके तहत दोस्तों जो डेयरी उत्पाद है उनकी शुद्धता के लिए दोस्तों ये कार्यक्रम दोस्तों ये अभियान लॉन्च किया गया था। कामधेनु डेयरी योजना शुरू की गई थी। इंदिरा रसोई की शुरुआत दोस्तों ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। इसके तहत गरीबों को दोस्तों 8 रुपए में दोस्तों भोजन की व्यवस्था की जाएगी, 8 रुपए पर
सरिस्का, रणथंभौर अभयारण्य दोस्तों, केवला देव पक्षी विहार, ये भी राजस्थान में। अब राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान को जो परकोटा है दोस्तों, राजस्थान का जयपुर का, उसको 2019 में दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। चलते हैं राजस्थान का मैप दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों राजस्थान का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार रूस के किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगी? इसका ऑप्शन है भारत, कजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। दोस्तों रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा दोस्तों, यानी पाकिस्तान किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन मशीन शामिल। राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री को आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जानकारी दी। दोनों पक्षों ने एक के 203 राइफल के उत्पादन के लिए भारत रूस संयुक्त उद्यम की भारत में स्थापना पर अंतिम चरण में चर्चा का स्वागत भी किया दोस्तों। तो अभी राजनाथ सिंह और वहां के रक्षा मंत्री के बीच में समझौता हुआ था दोस्तों। अभी पाकिस्तान के लिए क्या है, नो आर्म सप्लाई की जो कंटिन्यू की है इस पॉलिसी को दोस्तों, तो पाकिस्तान के लिए की है। तो प्रथम देखते हैं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री क्रिकेटर इमरान खान दोस्तों। यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा दोस्तों, 1947 के बाद बनी थी। और ये रूस ने किया है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की मुद्रा है रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने संविधान में संशोधन किया है जिसके तहत अब 2036 तक वो ही वहां के राष्ट्रपति रहेंगे, यानी कि तब तक वो 83 साल के नहीं हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन दोस्तों। इंदर एक्सरसाइज जो भारत और रूस के मध्य होती है दोस्तों, जो अभी हुई है। और यहाँ की संसद है ड्यूमा दोस्तों। अभी इनके मैप देखते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों पाकिस्तान का मैप और ये रहा दोस्तों रशिया का मैप। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन से आसियान देशों में अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को किस देश ने सब्सिडी देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, जापान। हाल ही में जापान की निक्की की रिपोर्ट के अनुसार चीन से आसियान देशों में अपने फैक्ट्री को स्थापित शिफ्ट करने वाली कंपनियों को जापान ने सब्सिडी देने की घोषणा की है। जापान का सब्सिडी देने का उद्देश्य एक विशेष क्षेत्र में अपनी निर्भरता को कम करना और ऐसी प्रणाली विकसित करना है जो कि आपातकाल में चिकित्सा सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए स्थायी आपूर्ति मुहैया करा सके। अब जापान ने किया है, जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन दोस्तों। जापान की राजधानी टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाले थे जो कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन करके 2021 में किए जाएंगे। जापान की संसद का नाम है डाइट, जो अपन को सूर्य देव का देश भी कहते हैं। और हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने अपनी पुरानी बीमारी के चलते इस्तीफा दिया है। अब देखते हैं दोस्तों जापान मैप में। तो ये रहा दोस्तों जापान मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंगलहेब्लोस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, मनाया गया दोस्तों? इसके ऑप्शन त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व का त्यौहार पंगलहेब्लोस लेब्सोल सिक्किम के लोगों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार केवल इसी राज्य में मनाया जाता है। यह सिक्किम के संरक्षक देवता खंदचेन जोंगा के आशीर्वाद को याद कराता है दोस्तों। सिक्किम के क्या था, सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, मुख्यमंत्री वर्तमान प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल गंगा प्रसाद दोस्तों। 1975 में भारत का राज्य बना था दोस्तों जनसंघर्ष के माध्यम से सिक्किम। और कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये भी सिक्किम में है। सिक्किम में है तो सिक्किम की दोस्तों देखो मैप में, ये रहा दोस्तों मैप में सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अवसर प्राप्त करने के लिए किस मिशन को शुरू करने की मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन है मिशन कर्मयोगी, मिशन प्रागोडा, मिशन बोजडेन, मिशन जीवनफल। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिशन कर्मयोगी। केंद्रीय सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को IGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए सिविल सेवा क्षमता निर्माण या मिशन कर्मयोगी के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी है। इस संबंध में लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी को कवर करने के लिए 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में 510.86 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रशासन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है दोस्तों। तो ये अभी प्रकाश जावड़ेकर ने जी है जो हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया गया? दोस्तों इसके ऑप्शन है असम, पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। असम विधानसभा ने हाल ही में राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया गया।
असम विधानसभा ने ऐसे मूर्त धरोहर विरासत स्थलों की रक्षा संरक्षण और पुनर्स्थापन करने के लिए विधेयक पारित किया गया जो अभी किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है। दोस्तों असम ने क्या है, तो असम में दोस्तों असम की राजधानी वर्तमान में दिसपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों और यहाँ के राज्यपाल ने जगदीश मुखी। हाल ही में असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था, धनवंतरी योजना शुरू की गई थी और दोस्तों भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया था असम में। दोस्तों सबसे लंबा नदी रोपवे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे बन रहा है। दोस्तों स्वाति बिदेन ब्रहा असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश है। हिमा दास जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर है। प्रियंका चोपड़ा असम की टूरिज्म एम्बेसडर है। दोस्तों असम का राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों असम में बिहू उत्सव असम का प्रसिद्ध त्यौहार है जो नववर्ष की दोस्तों शुरुआत पे मनाया जाता है। अब असम को देखते हैं मैप में, तो ये रहा दोस्तों असम मैप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर देश के कितने अध्यापकों को वर्चुअली समारोह में सम्मानित किया गया, इसके ऑप्शन है 32, 47, 52, 69। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी 47। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में शिक्षक दिवस पर देश के 47 शिक्षकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया गया जिसमें 18 अध्यापिकाएं हैं यानी लगभग 40% महिला टीचर्स को यह सम्मान मिला। देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए 6 मई से 25 जून के बीच नामांकन मांगे थे जिसमें के बाद 47 अध्यापकों का चयन किया गया तो उनको अभी वर्चुअली मोड से दोस्तों ये अवार्ड दिए। दोस्तों अभी भी जितने भी अवार्ड दिए गए हैं दोस्तों पहले स्पोर्ट्स डे पे दोस्तों जो खेल रत्न है उनको दोस्तों अवार्ड दिया गया, खेल रत्न दिए गए थे दोस्तों, अर्जुन अवार्ड दिए गए थे, ध्यानचंद अवार्ड दिए गए दोस्तों, ये सभी वर्चुअली मोड से दिए गए तो पहली बार हो रहे हैं दोस्तों क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है इसलिए दोस्तों कार्यक्रम वगैरह समारोह ये सब नहीं कर सकते दोस्तों, इन सभी पर पाबंदी है इसलिए वर्चुअली मोड से यानी कि ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों अब अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो ये अवार्ड हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिए थे वर्चुअली मोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के लिए किस मिशन और केयर्न फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, इसके ऑप्शन आत्मनिर्भर भारत मिशन, मिशन ज्ञान, जिज्ञासा मिशन, सर्व शिक्षा मिशन। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी मिशन ज्ञान। शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के 1,70,00,000 विद्यार्थियों के लिए मिशन ज्ञान और केयर्न फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश का एक भी विद्यार्थी शिक्षण से वंचित नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट में RBSE व CBSE का 12वीं तक का पूरा पाठ्यक्रम ऑडियो वीडियो माध्यम में होगा। अब ये दोस्तों सरकारी व गैर सरकारी स्कूल के लिए मिशन ज्ञान अभियान शुरू किया गया हमारे केंद्र सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट माध्यम से। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन आज के लिए इतने ही, अब चलते हैं आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया था, इसके ऑप्शन थे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। और दोस्तों जिन जिन ने इसका आंसर दिया मिला लीजिए किन किन लोगों ने इसका आंसर सही से दिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने विश्व में से भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सेल्जा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया गया, इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही से दे पाते हैं दोस्तों। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम वे पे मिल जाएगी दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रोज उस पर हम वीडियो की PDF उपलब्ध कराते हैं, वीडियो का लिंक देते हैं दोस्तों, वहां से भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और यहां से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। दोस्तों आपका